आने जंग का आगाज कल जबकि यहाँ पे हो चुका है, आज ये दूसरा दिन निश्चित रूप से फुटबॉल अपने चरम सीमा पे दिखाता हुआ दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ, और आज निस्संदेह 16 मैच जो खेले जाएंगे उसमें कई बेहतरीन टीमें यहाँ पे आएंगी, और फुटबॉल अपनी रोमांचकता और लोकप्रियता के लिए जिस तरह पूरे विश्व में है, जो विश्व के सर्वाधिक देशों में खेला जाता है, आज फिर से एक बार अपनी लोकप्रियता के शिखर को छुएगा। कंट्रोल से बाहर, साइड लाइन के बाहर, ये सफर जारी है। बहुत सारे टीमें अभी आई हुई है, चार 11 ब्लू कलर के जर्सी में और जय श्री राम डालडा रेड निकर और व्हाइट टी शर्ट में। मत का मैच का बेहतरीन परिचालन करते हुए हमारी रेफरियों की टीम हमेशा हर मैच को अपने नियंत्रण में, अपने कब्जे में, अपने कंट्रोल में लेते हैं। एक अच्छा परिणाम जो है वो हमारे टूर्नामेंट को दे रहे हैं, और क्यों ना हो, ये कोई साधारण रेफरी नहीं बल्कि उड़ीसा स्टेट रेफरी है। आज अभी तक के मैचों का सवाल है, तो चलिए फिर, कि मैं वो वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है। फोटर से गेंद, मारने की कोशिश, बड़ा गंभीर सीरियस बोल था, और देखे लेकिन नहीं आकर रिसीव कर लेती, तो डिफेंस को रोल करके बहुत अच्छा मोमेंट तैयार हो सकता था। बहरहाल ये मौका जाता रहा, फुटबॉल में ऐसे नजारे, ऐसे दृश्य, ऐसे मंजर हमेशा आपको नजर आते रहेंगे, इसीलिए तो इसकी लोकप्रियता सारे विश्व में गए, हर नौजवान के दिलों में गए कि वो भी एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर बनकर अपने समाज और अपने देश का नाम रोशन कर सके। थोड़ा धीमा मुकाबला मैं जरूर कहूंगा, दोनों एक दूसरे को परखते हुए, जहां तक आक्रमण की बात है, जो पिछले मैच में नजर आया संजू, इस मैच में वो तेजी, वो जो आक्रमकता यहां पर नजारा, अतः आपस में पास करते हुए साइड टेक के साथ चट्टार 11 मिडफील्ड में, कहते हैं मिडफील्ड के राजा होते हैं मीडियो आप, और आज के आधुनिक फुटबॉल में उसको लिंकमैन कहते हैं, और लिंकमैन वो पोजीशन होता है जो अपने टीम के असली के साथ उसका लिंक होता है, लिहाजा आपके पोजीशन को आज के आधुनिक फुटबॉल में लिंकमैन भी कहा जाता है, और राइट आउट जहां हम कहते हैं उसे आजकल राइट विंगर कहते हैं, स्ट्राइकर कहते हैं। 1986 में जब विश्व कप मैक्सिमम हुआ था, तो इंग्लैंड के जो पोस्ट राउंड ऑप्शन, उन्होंने विकेट एक इगल एक बाल के साथ तुलना की थी हमारे फॉरवर्ड लाइन को, तो ये विंगर विंग यानी कि पंख, लेफ्ट विंगर राइट विंगर, जो पंखों के सहारे उड़ते हुए अपने टारगेट तक पहुंचते हैं, और अंत में वो स्ट्राइकर के हवाले जो है उसे छोड़ देते हैं, और स्ट्राइकर गोल में बॉल को डाल के जो है, तो इस तरह जिस तरह बाज अपना शिकार करती है, उसी तरह हमारी फॉरवर्ड लाइन है जो अपने दोनों विंग के सहारे, दोनों राइट लेफ्ट विंग के सहारे आक्रमण करती है, तो ये कोई साधारण पोजीशन नहीं है फुटबॉल में राइट आउट और लेफ्ट आउट का, जिसे हम के ग्रामीण भाषा में इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और आधुनिक फुटबॉल ने कई सारे चेंजेस जो फाइनल काफी मुझे आपको अवगत कराया, और हर रोज जो है निश्चित रूप से फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा रूल में तब्दीली होती है, बदलाव आता है, एक कमेंटेटर को इस चीज की याद होनी चाहिए
कि समय के साथ कौन सा नियम आया है जो बदला है, कौन आज विश्व का सबसे अच्छा खिलाड़ी है, इन सब चीजों की जानकारी यदि हम रखेंगे तो निश्चित रूप से वो एक मेडल के रूप में जरूर हमारे सामने आएगा। और फुटबॉल की जहां तक बात है तो हमारे समय में इस मैदान में जो था, एक अच्छी बात से आपको परिचित कराना चाहूंगा कि बेल्जियम के कोच अभी कुछ दिन पहले जब बरसात हो रही थी, स्टू हैबर्ट जो कलकत्ता के एक मॉडर्न क्लब को कोचिंग करने के लिए आए थे और उनके साथ इंडिया के लिए खेले, खिलाड़ी भरमार है, आप खेलने का जो प्लेटफॉर्म चाहिए वो प्लेटफॉर्म की कमी है। आप इसका क्या, आप बाहर देशों के आप जिक्र करें, ब्राजील की बात करें, स्पेन की बात करें, पुर्तगाल की बात करें, वहां ज्यादा से ज्यादा लीग खेली जाती है, तो लीग खेलने में बड़े से बड़े खिलाड़ी उसी लीग में आते हैं तो बहुत कुछ देख कर भी सीखने का अवसर मिलता है। तो इसलिए बताओ मैदान के बीचों बीच फिलहाल ये मैच जो आप देख रहे हैं, ये तरफ टाटा चादर जो कि नीले रंग के जर्सी पर है और प्रतिद्वंदी टीम के रूप पर जय श्रीराम नालंदा जो कि व्हाइट कलर के जर्सी पर इस मैच को खेलते हैं। फिलहाल सुनी सुनी की स्थिति पर यह मैच और इस स्थिति को सुधार करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं टाटा चादर। चादर लगान शॉट के लिए तैयार होते हुए लेकिन एक खिलाड़ी लगातार उनको बैंक करते हुए यानी कि ब्लॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा डिफेंडर को, जिस प्रकार से उन्होंने डिफेंड की, जो मंडरा रही थी खतरा, उसी खतरे को उन्होंने भावा देखा परखा जांचा और जांचने के साथ कमाल की अंदाज में यहां पर बाहर करते हुए हल्का टच के साथ एक शानदार टूर्नामेंट का शानदार मैच आप देख रहे हैं। नेहरू क्लब तोलकी के सौजन्य से 16th एडिशन 15 वर्षों असीम सफलता कहानी लिखी सारे पर 16 वर्षों कहानी लिखा को जाऊँगी नेहरू क्लब तोलकी। वर्तमान यह हूँ तृतीय मैच ग्रुप सी प्रथम चक्र, यह मैच निश्चित भाव दु दल सुन स्थिति कहानी नहांती শেষ মুহূর্তে গোটাই খেলি বারম্বার পিট করিবার উদ্যম জারি রাখিছেন প্রতিদ্বন্দ্বী এ টিম ৰ মিডফিল্ডৰে। শেষ মুহূর্তে নিজ নির্ণয়ের পরিবর্তন করে হালকা টচ পাস রয়েছে যে ফ্রন্ট মুভ, ফ্রন্ট মুভ র সহিত নাও যে অপরচুনিটি অফ দ্য গোল স্কোরিং নিয়ার টু দ্য পেনাল্টি এরিয়া আর রিলিজড দ্য বল ফর দ্য রং কিক, বল র পজিশন হারাই পরবর্তী মুহূর্তে টিম টাটা টাটা ব্রাদার টাটা নিজ গোল র স্থিতি কো পরিবর্তন করিয়া পাই পরবর্তী মুহূর্তে লং রেঞ্জের কিক র সহিত ডিফেন্ডার প্রস্তুত শর্ট হ্যাড এন্ড ইট ইজ এ বিউটিফুল হ্যাড ইট ইজ এ লং রেঞ্জের হ্যাড কিন্তু প্রতি আক্রমণ করে পারে না 1:1 মোমেন্ট राइडर के स्ट्राइकर यहां पर अटक लाइन के करीब से
थोड़ा सा बॉल को होल्ड किया, लेफ्ट फुटेड रिलीज आई है, हेड के साथ ऑन टारगेट, बट डिफ्लेक्शन टू द बॉल को, क्रॉस बार पर सूखती हुई निकल गई बॉल। क्या जबरदस्त हेड, इट इज ओवर हेड। अगर निश्चित रूप से वो नियर हेड करते या तो फ्रंट हेड अगर होती तो निश्चित रूप से यहां पर गोल हो सकती थी। खतरा टला है नहीं अभी तक, एक शून्य के साथ लीड बनाई हुई, लेकिन दूसरी तरफ व्हाइट कलर के जर्सी पर टीम नालंदा, जय श्री राम। वक्त अभी बाकी है, हौसला अभी बाकी है, देखना है कि बचे हुए लम्बों में गोल यहां पर कर पाएंगे। बड़े हेड के साथ यहां पर आती हुई डिफेंडर फोर, अच्छे हेड के साथ मिडफील्डर के लिए, मिडफील्डर तब तक बॉल को अपने कब्जे में लेते हैं। यहां पर स्लाइडिंगली टैकल करना चाहते थे लेकिन बॉल पोजीशन सही जगह पर, रेफरी ने अंततः इरादा बदला और एडवांटेज यहां पर देते हुए, बिकॉज ए रेफरी अलाउड टू प्ले कंटिन्यू व्हेन एन ऑफेंस इज ओकाडी गोल, नो गोल एट द सेंटर फॉल। गोलकीपर सब फास्ट टैक्टिकली सेव, उनका रडार पर था, उन्होंने केवल हाथ दिखाया, पंच किया और अच्छी बचाव, बढ़िया बचाव होता हुआ हल्का सा माइनस, और इसी के साथ यहां पर एक त्रिकोणीय पास, और त्रिकोणीय पास के साथ बोल तो अगले की तैयारी में गोलों की अंकों में परिवर्तन करना चाहते हैं, गोलों की जो गणित है उसी गणित को परिवर्तन करना चाहते हैं। एक सुनी के साथ बोल को यहां पर आगे बढ़ाने की जो कोशिश है, इसी कोशिश को परिवर्तन को आगे लेने की तैयारी में, हल्के से डिफ्लेक्शन होता हुआ, नाउ द अनदर चांस, 1-1 पर गोलकीपर इधर ही, इस बार गोलकीपर से कोई गुस्ताखी नहीं, और उन्होंने क्या था जो थो क्विक रिलीज उन्होंने की, और करना भी चाहिए, लेकिन समांतर स्थिति पर आने के लिए एक बेहतर अवसर हो सकता है, लेकिन बॉल स्पर्श रेखा से बाहर, थ्रोइंग द अवसर, टीम नालंदा बढ़िया रिसीव, वन टच पास के साथ आगे देने की तैयारी में, हल्के हल्के कदमों के साथ सेंटर रेडियस के कभी करीब से, बढ़िया करीब से यहां पर आती हुई, दो खिलाड़ी बहुत से कभी क्लोज खेलना चाहते हैं, कभी नियर खेलना चाहते हैं, क्रॉस टू द बॉल, गोलकीपर इधर होगी, और गोलकीपर की लंबाई उनके लिए ये ताकत है, अगर गोल पर यहां पर लंबी हो तो निश्चित रूप से उनके लिए ताकत है। अरे आम गहर इति मध्य माननीय युव समाजसेवी लक्ष्मण महंत महोदय आम सहित सामिल अच्छा, हृदय खोला प्रीतिपूर्ण शुभेच्छा अभिनंदन, कार्य व्यस्तता हेतु प्रातः काल से आमको समय दे पार कितु मध्यान ये मुहूर्त आज से आम सहित सामिल होती आम धन्यवाद देवा निश्चित भाव में। मजबूत यहां पर बनाते हुए हल्के कदमों के साथ क्या यहां पर क्लीन स्वीप टच करेगी टीम, या तो टच के साथ या तो अपने सम्मान को यहां पर बचाने की कोशिश करेगी प्रतिद्वंदी टीम। टाटा पूरी तरीके से टाटा बली यहां पर गेम दिखाई है, और दूसरी तरफ नालंदा की टीम जय श्री राम कहते हुए क्या यह टूर्नामेंट से विदा लेंगे, यह देखने वाली बात होगी। स्कोर 2-0, 2-0 के साथ अपने स्थिति को पूरी तरीके से मजबूत करते हुए शॉर्ट फॉर्मेट की फुटबॉल मैच, लेकिन अगला मैच के लिए मैं दोनों टीम को गुजारिश करना चाहूंगा कि वह जल्द से